सब्सक्राइब कीजिए ईआर इंजीनियर चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विप्लव है और आप देख रहे हो ईआर इंजीनियर। दोस्तों, मेरे पास अभी एक म्यूजिक सिस्टम होम थिएटर जो इसमें बेस नहीं देते हैं, तो मैं चेक करता हूँ। देख पा रहे हो, मैंने फुल साउंड दे दिया तो भाई कुछ भी बेस नहीं दे रहा है। सेट ऑन है लेकिन बेस नहीं है। मैं साउंड भी बढ़ा दिया, बेस का वॉल्यूम का भी बढ़ाया, फिर भी कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसके अंदर ऊपर का एक स्पीकर लगा हुआ है, उसी से बेस आता है। तो अब मैं इसको खोलने जाऊंगा। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, खोलने में टाइम लगेगा तो पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। तो मैं इसका सर्किट खोल के रख दिया हूँ, बैग वाला सर्किट। इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ, आउटपुट कितना आ रहा है। 18 वोल्टेज करीब आना चाहिए। तो दोस्तों, बेस का जो ट्रांजिस्टर है उसमें 18 वोल्ट आ रहा है आउटपुट, तो सही है। दोस्तों, 18 वोल्ट आउटपुट आ रहा है फिर भी बेस नहीं आ रहा है। बेस आईसी के भी 18 वोल्ट आ रहा है। तो मैं इसका स्पीकर वाला भी ट्रांजिस्टर चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों मैं इसका इनपुट दिखा देता हूँ, जो ऑडियो आईसी है इसका इनपुट कितना आ रहा है। इनपुट तो बिल्कुल सही है, 36 वोल्ट आई आना चाहिए। आउटपुट 18 वोल्ट सही है। तीनों आईसी में 18 वोल्ट आउटपुट सही है। दोस्तों, मैं इसका जो बेस आईसी है इसको मैं चेंज करूंगा। इसका नंबर है दोस्तों 4558। इसका काम है म्यूजिक को बेस में क्रिएट करना। तो इसको मैं एक बार मैं चेंज करके देख लेता हूँ। एट लेग में लगा होता है, इस आईसी का नंबर है 4558। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ आटो लेग में। मैं इसको डी सोल्डर कर लेता हूँ आईसी को। ध्यान से करना है दोस्तों, पिन ना टूट जाए। आप जबरदस्ती मत उखाड़ो, जैसे पहले आप लेग को फ्री करो फिर
अब ऊपर से निकालो। मुझे लगता है दोस्तों फ्री हो गया है, तो मैं इसको ऊपर से इसको ड्राइवर की मदद से मैं उठा लेता हूँ। ये उड़ गया, देख पा रहे हो, भाग गया तो था, मिले आया। तो इसका नंबर है 4558। तो इसकी जगह पे मैं नया आईसी लगाऊंगा। सबसे पहले जो इसका जो एरिया है इसको मैं ई शोल्डर बढ़िया से कर लेता हूँ कि सुराख सही से दिख जाए और ऐसे सही से इंसर्ट हो जाए। अब मैं इसका नया आईसी में निकाल लेता हूँ 4558 का। ये है 4558 आईसी, 8 लेग में लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो एक नंबर पिन है वहाँ पे एक निशान दिया गया है, उसको आपको सीधा करके लगाना है। इसको लगा देता हूँ और लेग को आपको बढ़िया से इंसर्ट कर देना है। ये लग चुका है। तो आपको 1 नंबर पिन और 8 नंबर पिन को मोड़ देना है। आप डिसोल्डर कर दीजिए ऐसे ही। ज्यादा मोटा मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट हो जाता है। हल्का हल्का करके छोड़ सकते हो। तो अब मैं दोस्तों इसको देख पा रहे हूँ, मैं आईसी लगा दिया हूँ। इसको मैं अब क्लीन कर लूँगा डीजल ऑयल से, क्लीन कर लेता हूँ आईसी को और सारे पार्ट्स को भी।
तो दोस्तों मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसका इनपुट लगा दिया, अब मैं देखता हूँ इसका बेस आता है कि नहीं आता है। सुना देता हूँ बेस वाला आपको। आप सुन सकते हो